Come on, let's go. Look at the ways, guys. कलम रस्ते मतलब तुम अगर यहाँ आओगे तो there is something very different vibe. This is a mandir at my right side, and there is a restaurant and cafe. We are going to the cafe. थोड़ा सा दार्जिलिंग की तरफ. So we both are really hungry and ऐसा जो आपको पता है मेरा लास्ट डे है. अब दो दिन गाड़ी में ही बीतने वाले हैं. सबसे बड़ी चीज़ अगर आप यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हो ना, इट्स वेरी चीप. मतलब ये जो छोटी मम्मी वाली जो टैक्सीज है ना, दिस आर लाइक 5, 10, 15, 20, डिपेंड अपॉन द प्लेस यू आर गोइंग. यहाँ टॉय ट्रेन चलती है एग्जैक्टली इसी जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ. तो रेंटल चार्जेस आपको देखे गए होंगे मेरे लास्ट के ब्लॉग में. एंड दार्जिलिंग के मौसम कुछ ऐसा ही रहता है जैसे, और थोड़ा ये कंजस्टेड है. और उसके अलावा अगर आप पर्सनल टैक्सी लेते हो तो 2,000, 3,000, 4,000, डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो. और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो यू नो कि फ़्लाइट्स कहाँ तक आती है. बेसिकली बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक दार्जिलिंग की फ़्लाइट आती है, और जो कि स्टार्ट होती है 3,000, 4,000, 5,000, डिपेंड अपॉन द सीज़न. गाइस यहाँ पर टॉय ट्रेन सड़क पे ही चलती है ना, तो लिटरली ऐसा लगता है आपकी गाड़ी पे चढ़ जाएगी. सारी गाड़ी साइड हो जाती है टॉय ट्रेन के आते ही. सो वी हैड अ ब्रेकफास्ट यहाँ पे. दिस इज अ कैफे वेयर एक्चुअली यू कैन हैव द ब्रेकफास्ट एंड इवन यू कैन बाय द केक्स फॉर यू. मैं कल भी यहीं आई थी अपने लिए, जब डोनेट लिया था मैंने, आई मीन ब्रेकफास्ट के लिए. डोनेट वॉज नॉट एट दैट गुड, बट यस ब्रेकफास्ट वॉज गुड. तो कुछ इस तरह की बुग्गी होती है, कुछ इस तरह का सेटिंग अरेंजमेंट होता है, और सिर्फ दो बुग्गी से ही कनेक्टेड होती है. मतलब होती तो ज़्यादा भी है, मतलब मैंने मोस्टली अभी दो बुग्गी ही देखी है जहाँ तक देखा है. दो ही होती है ना. और ये सामने मोनेस्ट्री है ना, ये मोनेस्ट्री है. चलो स्टेशन पे चलते हैं ना, स्टेशन पे चलते हैं. मेरे से कोई बात नहीं. वैसे ऊपर की तरफ चर्च है, मैं सामने स्टीम इंजन की तरफ जा रही हूँ. अब पता नहीं कितना जाना अलाउ है कि नहीं, मैं तो फोटो खिंचवाने जाते हैं. थोड़ी सी जानकारी इस जगह के बारे में जहाँ मैंने स्टे किया, द रॉक रिसोर्ट. सो गाइस दिस इज द रूम, चेक करो यार. ये ट्विन बेड रूम है, इसके साथ आपका प्रॉपर वॉशरूम है. पता है यहाँ पर गर्म पानी अवेलेबल है, सबसे बेस्ट चीज़, क्योंकि यहाँ पर मौसम ऐसा ठंडा सा रहता है ना. और अगर मैं बालकनी तक जाऊँ ना तो कहते हैं वहाँ पर कंचनजंगा दिखता है. सो आई टेक यू टू बालकनी. सो सीजन में ये रूम जो है ना, इसका रेट 3,000-3,500 करीब जाता है. लुक एट दिस यार, इजंट इट द ब्रेथ टेकिंग व्यू. सो अभी तो मौसम ठंडा है, जैसे गर्म कब होता है यहाँ? ये समर ही है. ये समर है. अरे तो ठंड कैसी पड़ती है? बर्फ पड़ती है? हाँ. पड़ती है, सही है. वो गाड़ी नहीं आती होगी फिर? हाँ, नीचे से ब्लॉक हो जाते हैं. तो लोग पैदल पैदल आ जाते. क्या बात है. सो ऐसी वाला चेक करो, दिस इज सबसे सेकेंड बेस्ट अच्छा रूम, क्योंकि एक अच्छा रूम में लोग हैं. सो लुक एट दिस, वॉशरूम तो है इनका प्यारा, बट सबसे बेस्ट चीज़ है क्या, व्यू देखो बाहर का. व्यू इज़ ब्रेड टेकिंग राइट. और ब्रेड बहुत सस्पिशियस है,
एंड सामान रखने के लिए ऑब्वियसली अलमीरा। और पता है हर रूम में ना यूटिलिटीज है, द सेम प्राइजेस का भी 2800 टू 3000 3500 डिपेंड अपॉन द सीजन। नाइस नो, लुक एट सुपर डीलक्स। अच्छा दिस इज द बेस्ट वन, या इससे ऊपर वाला भी सेम होगा आपका, है ना? इससे ऊपर वाला भी सेम होगा ना। ये इसका पर इसमें आराम से आपके 4 से 5 लोग आ जाएंगे। लुक एट दिस वाला रूम, है ना प्यारा? यहाँ से भी कंचनजंगा का व्यू दिखता है। चलो ऐसे वाला वॉशरूम थोड़ा सा बड़ा। हाँ अच्छा, यहाँ पे कबर्ड है इसकी। वाह ओके, सो गाइस लुक एट दिस बालकनी। और पता है क्लाउड्स आपके चेहरे को टच करते हैं, फील हो जाएंगे। वो सामने तो क्लाउड्स दिख ही रहे होंगे मेरे। सो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये येलो वाली, ये ब्रिटिश के टाइम से है। मतलब ये रेस्टोरेंट हुआ करता था और हेरिटेज बिल्डिंग है ये भी। और ट्रेन भी, जो ट्रेन टॉय ट्रेन चलती है उस तरफ और मार्केट घुमाती है, वो भी पता है ब्रिटिश के टाइम की है। तब भी इसको क्या बोला जाता है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। नहीं पता तो मैं एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर बताऊंगी। ये था मेरा होटल का रूम और उसके बारे में जहाँ पे मैं रुकी। इट वॉज अ लेविश प्रॉपर्टी एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक द होम। सो लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, दिन के टाइम पर भी बादल जो होते हैं वो उसको टच कर रहे होते हैं। माय गॉड, सो ऐसा भी मुझे कम से कम 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया गाड़ी चलाते चलाते। यहाँ से टॉय ट्रेन का रास्ता पीछे कहीं ख़त्म हो चुका है। इसने मुझे सिलीगुड़ी की तरफ मुड़वाया है रास्ते ने। एंड स्टिल लाइक शोज लाइक 1 day टू गो होम। बट ये पूरा जो राइट साइड है ना, ये टी प्लांटेशन है मेरे, क्योंकि आपको पता होगा डार्जिलिंग में लार्जेस्ट ट्री प्लांटेशन है असम और डार्जिलिंग में। आई डोंट नो कहाँ ज़्यादा, आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और क्या कहते हैं आप, और अभी तक ये कम नहीं हुआ कोहरा, आई मीन बादल, नॉट कोहरा, सारे बादल ही हैं आज का। क्या कल का पूरा दिन गाड़ी में निकलने वाला है, बट चेक करो राइट और लेफ्ट साइड फार्म। सो पता है यहाँ पे ना सामने वाली गाड़ी ना साइड से जब गाड़ी निकल रही होती है ना तो ब्रेक मार लेती है, मुझे समझ नहीं आता उसका रीजन क्या है बिल्कुल भी। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि रूम में गाइस। अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड जाकर कैमरा करती हूँ ना तो पूरा टी फार्म है, मतलब पूरा टी प्लांटेशन है। मैंने टी प्लांटेशन यहाँ पे कवर नहीं करा बट हाँ सिक्किम में करा है। सो अगर आप टी प्लांटेशन कवर करना चाहें तो यहाँ पे भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप टी प्लांटेशन के लिए जा सकते हैं। सो जस्ट मैंने गार्ड दार्जिलिंग क्रॉस करा गाइस, और आज मेरा ड्राइविंग डे है, उसका पैर अभी तक ठीक नहीं है। एंड दिस इज नीबू साहब एक डैन आई पेट कर पैटी। आपने ग्रिल नहीं, मतलब ग्रिल करी है इसको? ग्रिल नहीं करी। पेट्रोल पंप पे बहुत सही सी शॉप बनी हुई है, सो आई वाज रियली हंग्री, क्योंकि सुबह ही कुछ खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड टी फार्म जो है वो आपको सारी जगह मिल जाएगा दार्जिलिंग में, और अगर आप ट्रेन पे ट्रैवल करते हो तो पक्का मिल जाएगा। आई विल सी यू विद नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट वीडियो रियली सून, बिकॉज टुमारो द लास्ट वीडियो इज कमिंग।